हेलो दगड़ियों, वेलकम टू रोहित बाजी। और आज हम घर पर बैठे हैं और देहरादून में बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, बहुत मज़ेदार। आपको वीडियो में भी शायद हवा की आवाज़ आ रही हो शायद, और उसके साथ ये स्नैक्स चल रहे हैं हमारे। टी टाइम, मैंगो शेक टाइम, मैंगो शेक टाइम। और शाम को भी बैठे हैं देहरादून में, बज रहे हैं 6:30 और बहुत ही जबरदस्त मौसम हो रहा है जी। तो क्या क्या आपने आज अरेंज किया है? ये है फ्राइड मोमोज, आप देख सकते हो, और ये है स्माइलीज, और कम ही बनाया हमने क्योंकि हम दो ही लोग हैं, ज्यादा बना के वेस्ट होते हैं। और ये देसी चिप्स, हम मैं और रोहित टी नहीं पीते तो हमने बनाया मैंगो शेक, और रोहित की स्पेशल वेबा की। जबरदस्त मौसम हो रहा है और ट्रेन भी जा रही है पीछे से, हमारे घर के बगल से ही है, और जबरदस्त। इस यही ब्यूटी है उत्तराखंड की और देहरादून की स्पेशली, बहुत मज़ा आ रहा है। और अब हम कुछ खाते हैं, फिर आपको आगे मिलाते हैं। आप भी कुछ खाइए और मौसम एंजॉय करिए, क्योंकि मेरी आज दिल्ली भी बात हुई तो वहाँ भी मौसम मैंने सुना बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। अच्छी बात है, मौसम अच्छा रहना चाहिए और आप सब लोग भी अच्छे रहने चाहिए। हम भी घर पर हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, आप लोग भी अपना ध्यान ज़रूर रखिए। तो जी, शाम की चाय तो नहीं बोलेंगे, शाम का मैंगो शेक तो हो चुका है, अब रात बढ़ती जा रही है। और आज कुछ ऐसी स्पेशल डिश हमने सोची नहीं, बट आज जो स्पेशल डिश बन रही है वो सबके घरों में बन रही होगी। आज किसी का मुंह नहीं लग जाएगा क्योंकि सीटियों की आवाज़ आ गई होगी और हमारे घर पे बन रहा है। यार आज बन रहा है क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है और रोहित की फेवरेट है मसूर की दाल और चावल, और हम बना रहे हैं काली मसूर की दाल और चावल, और इसमें लगेगा तड़का, क्या बोलते हैं, लहसुन का तड़का। इसमें कोई प्याज नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एंड में लहसुन का तड़का, बॉइल्ड में, बॉइल्ड दाल में लहसुन का तड़का। रंजना जो आज फिर से आप किचन में देख रहे हो, मेरा बहुत मन है कि जब भी अब हम जल्दी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे शायद, तो उस घर का मैं होम टूर भी करवाऊंगा आपको, और एक बढ़िया सा लैविश किचन भी बनवाएंगे रंजना के लिए और अपने लिए भी, जो कि देख के ही मजा आएगा। और उसमें और सारे खाना बनाने में बहुत मजा आएगा क्योंकि हर इंसान की ना एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने पैसों से अपने लिए बहुत अच्छा अच्छी अच्छी चीजें करे, बट हम वो इन्वेस्टमेंट, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम किचन में करेंगे सारी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कुकिंग मेरा बहुत टाइम, मतलब तो मेरा पैशन कुकिंग है बट नहीं भी है, बट अब डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, तो मैं एक चैनल भी स्टार्ट करूंगी, और प्रॉपर मतलब किचन ऐसा बनाएंगे बढ़िया वाला। यस, किचन बनाएंगे जबरदस्त। और अभी खाना पीना बन नहीं रहा है, और मुझे लगता है आप सबके घरों में भी खाना बन रहा होगा इस समय, खाने का समय क्योंकि चल रहा है। अभी बज रहे हैं 8:30 के आसपास, हाँ 8:30 के अराउंड हो रहा है, खाना बनेगा फिर हम खाएंगे। और जब तक बैठे हैं और कुछ नए गाने, तो अभी फिलहाल गानों के लिए लोगों ने कमेंट में पूछा था कब आ रहा है, तो नया गाना है, सब तैयारियां हैं, बट अभी शूट के लिए हम कहीं नहीं जा सकते हैं, बिकॉज आप सबको पता है कि क्या हाल, क्या माहौल चल रहा है, तो इस माहौल में हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, अभी सिर्फ घर पर रहना चाहते हैं। सही रहेंगे तो आगे भविष्य में हमेशा आप लोगों का एंटरटेनमेंट करते रहेंगे, बट अभी फिलहाल घर पर ही है, बाकी डेली ब्लॉगिंग से आप लोगों को थोड़ा बहुत एंटरटेन शायद कर ही रहे होंगे। और अगर आप लोग एंटरटेन हो रहे हैं, हमारे ब्लॉगिंग अच्छी लग रही, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करेंगे आगे डेली व्लॉगिंग और हर चीज़ के लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक में फिर से। क्या तड़का लग रहा है क्या? यस। तड़के की खुशबू बहुत बेहतरीन, और जब भी ये मेरी फेवरेट दाल है, फेवरेट काली मसूर, फेवरेट। और जब भी मैं तड़का मारती हूँ तो रोहित हमेशा किचन में आते हैं क्योंकि रोहित को ये वाला अरोमा बहुत पसंद है, और रोहित खींचे खींचे चले आए तड़के की खुशबू सुन के। ये हमारी ये काली मसूर, काली मसूर की दाल, इसमें तड़का लगने वाला है। चावल नहीं बनाए क्या? चावल बनाए, बना दिए, बन गए चावल। यस, इस मसूर की दाल में नमक, मिर्च, टमाटर और पहले उबाल लेंगे, और इसमें कोई प्याज नहीं डलेगा, और ऊपर से इसमें लगेगा तड़का, और जो प्याज टमाटर का पेस्ट बना के उबली हुई दाल डालते हैं उसका टेस्ट अलग होता है, और ये वाला टेस्ट अलग होता है,
और दाल की एक खासियत होती है, जो दाल होती है ना हल्की सी माइल्ड होती है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा फ्लेवर्स नहीं होने चाहिए, मतलब बहुत दाल का मतलब ही एक चावल के साथ वो बैलेंस होनी चाहिए। सब्जी बहुत स्पाइसी होनी चाहिए या सब्जी बहुत क्या बोल सकते हैं उसे हैवी होनी चाहिए, बट दाल चावल लाइट होना चाहिए और सब्जी हैवी होनी चाहिए। और ये लग गया हमारा तड़का, तड़का लगा हुआ। मैं जब तक आपको कुछ और दिखाता हूँ गाइस, ये मैंने आज ऑनलाइन मंगाया था, इसमें जो चीज़ें हैं वो सुन के आप हंसोगे। इसमें एक तो है क्या, जिम बैग, एक शेकर, और जिम में जो ग्लव्स पहनते हैं हाँ वो है, और जिसके लिए रंजना ने बहुत फटकारें लगाई मुझ पर, क्योंकि जिम जाना नहीं है, शेकर का यूज़ होना नहीं है, तो क्यों मंगाया ये क्वेश्चन सवाल उठ रहा था, बट मैंने कैसे ना कैसे करके वो संभाल लिया वो वाला टाइम, बट मुझे पसंद आया। मैं देख रहा था ऐसी स्वाइप करते करते स्नैपडील में, तो ये मुझे पसंद आया तो मैंने मंगा लिया। अभी एक दो चीज़ें और मंगाई है, तो वो जब आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके लिए शायद डांट ना पड़े, बट वो थोड़ा वो अभी के लिए वो शायद यूज़फुल होगी मेरी थोड़ी, बट ये तो नहीं थी खैर, बट ठीक लगी तो मंगा लिया। इसको खोल के दिखाता हूँ कैसा आया है। ये बैग है, मतलब जो आया है बैग, इसके अंदर एक और है जो मंगाया था मैंने। इसके लिए सुबह हमारी बहुत बहस हुई कि किस कारण से मैंने मंगाया है, मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें कारण की वजह से थोड़ी मंगाई जाती है, पसंद आई तो मंगा ली। अरे क्या हो गया ये, सभी पैकिंग इतनी खतरनाक क्यों कर रहे हैं आजकल। इसको फिर दिखाइए, ये देखिए ना, ये देखो जिम के ग्लव्स। ये अननेसेसरी आइटम्स जो होते हैं ना, ये पता नहीं क्यों मंगाए, और आज हमारी बहुत लड़ाई हुई थी। ये जिम में अभी शुरू करने वाला हूँ मैं, सोसाइटी में हमारे जिम बन रहा है बहुत अच्छा, वो मैं शुरू करूँगा। और अभी एक ये है बैग, बैग बहुत जबरदस्त है, चलो आप भी देखोगे ना अगर अगर खुश नहीं हुए। तो गाइस जिम चलते हैं, फिर बॉडी वॉडी बनेगी तो दिखाएंगे आपको। मगर ये शेकर नहीं खुला, ये बात फाइनली शेकर थी। ये शेकर लास्ट में मुझे ऐसा लगता है तेल डालने के काम आएगा, क्योंकि हम इसमें रिफाइंड यूज कर रहे हैं, तो बस कम से कम 10-15 शेकर है। आपका फोन आ रहा है, उस शेकर में हम लोग रिफाइंड यूज कर लेते हैं, या फिर मैंगो शेक बना के डाल लिया, कभी वो जिम में पानी पीने के काम आया ही नहीं। प्रोटीन शेक बनने वाला, कोई प्रोटीन शेक नहीं बनेगा ऐसे। मैं अभी एक दिन मैं इसको हॉल करूंगी पूरे इनके प्रोटीन शेक का, और तुमको इसी से ही पता चल जाएगा मेरे घर में कितने हैं। ये 15-20 तो शेकर होंगे जिसमें से सब पता नहीं काम ही नहीं आ रहे हैं। चुप रहो, ये देखिए ये अलग से कंटेनर जो दे रखा है, इसमें मैं प्रोटीन शेक और BCAA जिम ले जाऊंगा और इसको यूज करूंगा। और ये तो है इसमें रहेगा, तो जी ये आज का मेरा ऑनलाइन शॉपिंग। तो अब देखते हैं कब जिम खुलेंगे और कब मैं फिर से जाऊंगा। जिम जा रहा था मैं, बट पता नहीं किसकी नज़र लगी और जिम छूट गया किसी कारणवश, मगर अब सब ठीक हो जाए यार, पहले तो बस यही हुआ है, सब कुछ सही हो जाए फिर उसके बाद जिम विम तो चलता ही रहेगा आगे भविष्य में हमेशा, मगर अभी सब कुछ ठीक हो जाए उसके लिए ही सब चल रहा है। बाकी बैग मुझे बहुत पसंद आया, शाली बैग बहुत ही अच्छा है सच में,
और इसलिए मैंने मंगाया बैग भी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने इसकी फोटो में ही देख लिया था जब। तो आई थिंक ये मेरे काम आएगा आगे, और मैं शायद अपना जिम का सामान सब इस बैग में डाल देता हूँ। ये मेरे ग्लव्स और मेरा शेकर मैं अपने जिम बैग में डाल लेता हूँ, बिकॉज मुझे सुबह जिम जाना है शाम। मुझे जिम जाऊंगा जरूर इस बारे में, जब जिम जाऊंगा तो जिम के व्लॉग्स भी बनाऊंगा, और तब देखना ट्राइसेप्स दिख रहे थे थोड़े से। तो बैग का तो हमने फाइनल कर ही दिया है लड़ भिड़ के, अब वो सब चीज़ें एग्री हो चुकी हैं जो ले ही आए, तो बट जिम मैं ज़रूर शुरू करूँगा जब भी खुलेगा। और खाना रेडी हो चुका है। आपको ये थोड़ा सा मैसी लग रहा होगा, बट ये खाने में इतने से, मतलब एक चम्मच चावल है और ऊपर से हम लोगों ने दाल पोर करी है, क्योंकि मैं और रोहित हमेशा चावल एक या दो चम्मच लेते हैं और दाल दाल ज्यादा ज्यादा लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये इसमें सिर्फ दाल है, और चावल इसलिए क्योंकि वो दाल खाली ना लगे। हाँ, तो थोड़ा सा चावल रहते तो अच्छा सा फील होता है अंदर से ना, चावल है तो इस वजह से दाल ज्यादा और चावल थोड़े से, तो बेवकूफ बनाने का तरीका है बाय द वे। बाकी चलो खाते हैं, फिर मिलते हैं, और एंड तो आपको पता ही है बिना गाने के मैं करूँगा ही नहीं, तो मिलते हैं खाने के बाद गाने पे। हाँ जी, तो आज का स्पेशल गाना एक और आप सभी लोगों के लिए, और ये गाना भी हमारे आदरणीय गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाया हुआ है, उन्हीं का लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर गाना है, छन्योमा करियो डेरू। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ दो लाइन उसकी। नी हूँ दो मैं पुजारी, तैनी हूँ जवानी को, नी है रुदो तो क्यों माने, रुदो सदानी को, दुनिया समाजो को मुख मुड़ू चा, खड़ोड़ी तेरा बाना, लठली तेरे खातिर, खड़ोड़ी तेरा बाना, लठली तेरे खातिर, छन्यो मां करूं डेरो, घर को छोड़ूं जा, खड़ोड़ी तेरा बाना, लठली तेरे खातिर। तो ऐसे ही आप सभी लोग रोहित बाजी को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार बरकरार रखिए, और हो सके तो लिंक को हर जगह शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले ब्लॉग में और कुछ नई चीज़ों के साथ जो डेली रूटीन में हो रहा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, घर पर रहिए और घर से ही हर चीज़ करिए, यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अभी सिर्फ घर पर रहना ही ठीक है। तो अब उम्मीद है आप लोग घर पर ही रहेंगे और मैं भी घर पर ही हूँ, और आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एंटरटेन कर रहे हैं हम डेली। थैंक यू सो मच।